उड़ीसा के गांव-गांव फैला उजियारा। सदियों से छाया अंधकार मिट रहा है। जिस सभ्यता ने विकास की रोशनी कभी देखी ही नहीं, उसे उजाले का एहसास होने लगा है। उड़ीसा के हर गांव और हर घर में गांव-गांव बिजली, घर-घर उजाला की आहट हो चुकी है। केंद्र सरकार की पहल से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ हर किसी को मिल रहा है। 4 अप्रैल 2005 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना ने हर गांव को उम्मीद की रोशनी से जगमग कर दिया। इस योजना के लिए 90% वित्तीय अनुदान भारत सरकार दे रही है। REC इस योजना की नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत 15 जनवरी सन 2010 तक देश के कुल 1,71,371 गांवों को बिजली दी जा चुकी है, जिनमें 69,963 ऐसे गांव हैं जहां अब तक बिजली थी ही नहीं। 88,84,000 BPL घरों में भी बिजली दी जा चुकी है। ओडिशा राज्य भी इनमें से एक है, जिसके कुल 7,756 गांव को विद्युतीकृत किया गया, जिसमें 3,935 अविद्युतीकृत गांव और 55,211 BPL घरों का बिजली कनेक्शन दिया गया है। इस राज्य के लिए 3,575 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, जो अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। उड़ीसा की लोक कलाकृति, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, दस्तकारी, वेशभूषा और विशेष उत्सव आदि की अपनी खास पहचान है। खनिज संपदा, नदी, झील, झरनों और हरे भरे पहाड़ों में बसे कालाहांडी, बलांगीर और देवगढ़ जिले के इन गांवों में सूरज झरने के साथ ही जैसे यहां के लोगों की जिंदगी ठहर सी जाती थी। लालटेन और ढिबरी से जीवन जैसे तैसे चलता तो था, लेकिन आज कालाहांडी के दुर्गम क्षेत्रों में भी बिजली पहुँच रही है। इलेक्ट्रिक आसला को हमको बेसी सुविधा है। पिला मैंने बहुत भल भाव पढ़ापढ़ी करते सान सान मैंने भी पढ़ापढ़ी करूचन तापर ए जेते बिछु कंकड़ा मैंने समस्ते देखी पारूचु हमें और भल भाव रही पारूचु। अब इन गांवों में खुशहाली और उल्लास है। RGGVY के द्वारा रोशनी से भर चुके हैं ज्यादातर गांव। महिलाएं अपना काम काज रात में तसल्ली से करती हैं। दरवाजे पर बंधे मवेशियों को रात में भी चारा देने में सहूलियत हो रही है। बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, देर शाम तक दुकानें खुली रहती हैं। दिन भर काम करके लौटे गांववासी बिजली की रोशनी में बैठकर अपना सुख दुख बांट लेते हैं और बच्चे धमा चौकड़ी कर लेते हैं। अगलिया में लाइट नहीं थी, बेसी असुविधा होती है, लाइट आ लगे बेसी भोल आला और अगलिया में पड़ी भी नहीं पड़ती बेसी दिन। सच में बस्तियों में रौनक आ गई है। इस योजना से जुड़कर आदिवासी बंधु बेहद गौरव महसूस कर रही हैं। औरतें पारंपरिक तौर से जंगलों से जुटाए गए घास पत्तों से दोना पत्तल, झाड़ू और रस्सी बना ले रही हैं। जिस काम को वो दिन में करती थी, उसे अब बिजली की सुविधा मिलने से रात में भी कर लेती हैं। हमको लाइन अलग बहुत सुविधा है। हम डिग्री में कितने कष्ट करती हूं। पहली बार जब इन गांवों में बिजली की रोशनी पहुंचती है, तो उस दिन मानो इन गांवों में उत्सव सा मनाया जाता है। लोगों में उस दिन से अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव होने की उम्मीद नजर आने लगती है। गोलामुंडा ब्लॉक में एक गांव है जंगुडा बहाल। अक्सर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, बल्ब जलने के बाद, हम लोगों को बच्चों को चॉकलेट देते हैं। जब एक बच्चे के मैं चॉकलेट दे रहा था, उसने कहा, मोते चॉकलेट चाई नाई, मोते बिजली चाई। जीवन शैली में तेजी से आता बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। आज लोग परंपराओं से जुड़कर भी आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश की प्रगति गांवों के विकास पर भी निर्भर करती है और किसी भी गांव के विकास के लिए बिजली की अहम भूमिका है। मोर चछुपाली गाँव रही प्रथम लाइन लगभग आउ स्कूल रे टिके लाइन लगले छ माने पिला माने पाठ पढिया को सुविधा हबो। अंगनवाड़ी रे मीटिंग फिटिंग करिया को सुविधा हबो। अंगनवाड़ी टा हमर चली जी SHG ग्रुप अछते दीटा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। तभी तो ओडिशा के कालाहांडी, बालांगीर और देवगढ़ जिले के ग्रामीण भी देश की मुख्य धारा में शामिल होकर प्रगति का हिस्सा बन रहे हैं। RGGVY ने इन लोगों की दशा बदल दी।
जीवन की दिशा बदल दी। गांव में बसने वाले, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले लोग आज खुद को इस देश से, इस देश की व्यवस्था से जुड़े होने के एहसास से फूले नहीं समा रहे हैं। राजीव गांधी योजना में 18,000 अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस को घर घर बिजली दिया जा रहा है। बहुत जोर से काम चल रहा है राजीव गांधी योजना में। इस स्पीड पे अगर काम चलता रहेगा तो हम अगला एक साल डेढ़ साल में पूरा जिले को, जिले का सब गांव को बिजली दे सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गांव गांव बिजली, घर घर उजाला।